तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देखने जा रहे हैं सीआरवी, जो है 2011 की सीआरवी जो है उसका। हम आज चेसिस नंबर को जब गाड़ी ट्रांसफ़र करते हैं तो चेसिस नंबर का प्रिंट चाहिए रहता है वहां पर देने के लिए। तो ये टोटल हमारी कार है, राइट। तो चेसिस नंबर आपको मिल जाएगा। तो आपको चेसिस नंबर किस तरह से निकाला जाता है ये आज के वीडियो में मैं पूरा बताऊंगा। तो लास्ट तक मेरे वीडियो को देखिए और मेरे चैनल मुलानिज़म ब्रदर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो पसंद आए तो। सो पहले हम लोग को चेसिस नंबर आइडेंटिफाई करना है। तो चेसिस नंबर होता है गाड़ी के बोनेट में। तो आपके गाड़ी के ड्राइवर साइड में जो बोनेट ओपन करने का रहता है उसे ओपन कर लीजिए और फिर उसके बाद आप हुड को अपने खोल दीजिए। तो मैं दिखा रहा हूँ अभी आपको, इस तरह से आपके हुड को उठा लीजिए, राइट। ये आपका है, ओके। अब आप यहाँ पर दिख रहा है आपको फ्रेम नंबर जो आपको दिख रहा है आपके गाड़ी के टॉप पार्ट में फ्रेम नंबर बोलकर एक दिया हुआ है फ्रेम नंबर। तो इसको आप ऐसे यहाँ से क्लिक कीजिए और ऐसा करने के बाद आपको यहाँ पर आपका चेसिस नंबर दिखेगा। देखिए आपको दिख रहा होगा, ये देखिए चेसिस नंबर। एक्चुअली थोड़ा अंधेरा है इसके वजह से यहाँ पर आपको चेसिस नंबर मिल जाएगा। मतलब आपका मेन बोनेट ओपन करने के बाद आपको ये तुरंत आपके यहाँ पर एक, और ये गाड़ी 2011 का है तो 2008 से लेकर 2011 तक जितना गाड़ी है उसका सेम रहेगा, उसका फ्रेम नंबर चेसिस नंबर यहीं पर मिलेगा। तो ये हम लोग ने यहाँ से ओपन कर लिया और ये अंदर यहाँ पर चेसिस नंबर है। आप क्लियर नहीं दिख पा रहा होगा, हाँ अब दिखेगा आपको, एक चेसिस नंबर है। तो अब मैं इनको बताता हूँ कि जो हम ट्रांसफ़र के लिए जाते हैं तो हम चेसिस नंबर का प्रिंट किस तरह निकाल सकते हैं। अब आप देखिए, ये अभी आप देख सकते हैं टोटल कार यहाँ पर है। तो ये आप देख सकते हैं, इसका मैंने खोला है और ये यहाँ पर फ्रेम नंबर दिया हुआ है ये इस पार्ट में। तो अभी अब हम लोग अभी इसको कैसे आइडेंटिफाई करना और कैसे निकालना ये मैं बताता हूँ आपको। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। हाँ, अब आप ऐसा कीजिए, एक प्लेन वाइट पेपर लीजिए और जिस साइज का है आपके चेसिस नंबर का ये फ्रेम इतने साइज का, इसको काट लीजिए। अब आप देख सकते हैं मैंने इस साइज का पेपर काट लिया है। आप देख सकते हैं पेपर अभी उस साइज का काट लिया मैंने फ्रेम के साइज का। अभी हम चेसिस के वहां पर थोड़ा सा फेविकॉल है, आप देख सकते हैं फेविकॉल है। इससे हम क्या करेंगे कि फेविकॉल से इसको फेविकॉल चेसिस पर लगा देंगे। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर फेविकॉल लगा रहा हूँ इस पार्ट में और इस पार्ट में, ठीक है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा फेविकॉल लगा रहा हूँ और अब मैं इसको चिपका दूंगा, ये पेपर को अच्छी तरह से चिपका दूंगा। और अब मैं इसको चिपका रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं मैंने पेपर अच्छी तरह से चिपका लिया है। अब पेपर चिपकाने के बाद अभी हमको क्या करना है, ये यहाँ पर एक नट होता है, इस नट को ऐसे उठा देना है, ठीक है। और उठाने के बाद ये जो रबर रहता है इसको, ये रबर को हम ऐसे निकाल लेंगे, और मैंने यहाँ का हुड भी निकाल लिया है, ये मैंने हुड का नट भी निकाल लिया मतलब। तो ये थोड़ा ऐसे ऊपर हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, एक कोई भी पेंसिल ले लीजिए आप, और पेंसिल लेने के बाद उसको शार्प कर लीजिए और शार्प करने के बाद हल्का हल्का उसको इस एंगल पर रखिए। देखिए ये एंगल पर रख के थोड़ा कीजिए, देखिए ये ऐसे ऐसे हल्के इससे थोड़ा थोड़ा कीजिए, इससे हल्का हल्का कीजिए। फिर इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर, और फिर ध्यान दीजिए नंबर आपका,
ध्यान आपके नंबर पर भी होना चाहिए कि नंबर कैसे प्रिंट हो रहा है। देखिए हल्का 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 करिए, चेसिस प्रिंट आ जाएगा। हल्के हाथ से करेंगे आ जाएगा। तो जिस तरह देखिए, मैंने अभी आपको दिख रहा होगा, देखिए हो जाएगा, फोकस थोड़ा इशू। हाँ देखिए, जिस तरह मैंने लगा दिया है और अब मेरा आप चेसिस नंबर देख सकते हैं क्लियरली। और मैंने बहुत इजी तरीके से मैंने ये चेसिस नंबर को मतलब कर लिया है अभी। तो अभी हम क्या करेंगे कि हम अभी इसको निकाल लेंगे। तो जो मैंने चिपकाया हुआ पार्ट था उसको मैं हल्के इससे खींच लूँगा। हल्का 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 खींच लीजिए, हल्का हल्का खींच लीजिए, हल्का इस साइड से, हल्का उस साइड से। ये देखिए हल्का हल्का निकाल लीजिए। ये देखिए, ये देखिए एक साइड का निकल गया हल्के से, हल्का थोड़ा थोड़ा। हमें जब भी गम लगाना है ना, वो थोड़ा थोड़ा लगाना है और चेसिस पर लगाना है। और ये देखिए, आप देख सकते हैं चेसिस नंबर दिख रहा होगा आपको। और अब मैंने इसको चेसिस नंबर को निकाल लिया। अब मैं जब चेसिस नंबर को निकाल लिया है और अब आप देख सकते हैं मैंने चालू कर दिया। अब आप देखिए मेरा, हाँ आप देखिए, आपने नंबर पूरा ए टू जेड क्लियर आया है, एकदम परफेक्ट नंबर आया है। और इस तरह से जब हम आरटीओ ट्रांसफ़र के लिए जाते हैं तो इस तरह से आप चेसिस नंबर निकाल सकते हैं। और फिर उसके बाद करना क्या है आपको, चेसिस नंबर हो जाने के बाद इसको दबा देना है। यहाँ पर स्क्रू आता है ना, स्क्रू, उसको लगा लेना है। स्क्रू को फ्रेम को ऊपर कर लेना है ऐसे, और ये जो रबर होता है एज इट इज इसको दबा के रख दीजिए। एज इट इज इसको दबाइए, जो आपके अंदर पानी न जाने के लिए होता है। एज इट इज दबा दीजिए इसको। ये देखिए, ये लास्ट तक, और इसे चेक कर लीजिए दबा के अच्छी तरह से, बिकॉज ये आपके पानी को अंदर जाने से बचा देता है। ये देखिए पूरा हो गया। और मैं फिर यहाँ पर एक वो जो स्क्रू नट होता है इस तरह का, आपको बताएं इस तरह का जो नट होता है, ये वाला जो नट होता है, इस तरह का नट आपको इस जगह पे फिट करना है। ये जगह पे फिट हो जाएगा, टाइट हो जाएगा ये और ये जगह पे। तो इससे क्या होगा कि इस तरह से आपका चेसिस नंबर का प्रिंट, जो ये गाड़ी है होंडा CRV गाड़ी है 2011 का, तो उससे आप कर सकते हैं। और थैंक यू गाइस, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कमेंट बॉक्स में आपका जो भी डाउट रहेगा वो मुझे बताइए। ओके, थैंक यू।